पोस्टर तो देख ही रहे हैं कि देश में बेटियां असुरक्षित है, तो देश की बेटियां जब असुरक्षित है और प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र की भूमिका में है तो वही दिखाने का काम किया गया है। कह तो रहे हैं कि सबसे पहले अपना एमपी पर कार्रवाई करें, अगर ताकत है मोदी जी में, दम है, तो अपने एमपी पर कार्रवाई करें, बृजभूषण सिंह पर। देश की बेटियों के साथ जो घटना घट रही है, मणिपुर तो पूरा जल रहा है, मणिपुर तो जल ही रहा है, लेकिन कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वो अपने एमपी को कार्रवाई करें ना। देश के तमाम लोगों को कह रहे थे, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, तो अपने मुख्यमंत्री से कार्रवाई करवाएं। सब वो बोलते हैं वही है जो वो करते नहीं है। और जो के मोदी जी तो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनके आंसू है कहाँ, उनको आंसू है कहाँ। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में फेल है। देश की बेटियां असुरक्षित है, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बैठे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मोदी है तो सब क्राइम मुमकिन है, सब महंगाई मुमकिन है, सभी चीज मोदी है तो ही मुमकिन है। लेकिन राम राज्य जिसे कहते हैं, जिसे मंगल राज्य कहते हैं, वो जब इंडिया की सरकार बनेगी तो ही मुमकिन होगा। जिस तरह से मणिपुर में जो घटनाएं जल रही है, पूरी मणिपुर जो है अभी 70 दिन से जल रहे हैं, उसके बाद जो है आरजेडी कार्यालय जो पटना है उसके बाहर में एक पोस्टर लगाया गया, बड़ा सा पोस्टर है। देखिए उस तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट का तस्वीरें जो कृष्ण के रोल अदा कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो धृतराष्ट्र बने हुए हैं मोदी जी का लगा हुआ है, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कब तक देश की बेटियों के साथ चीरन होता रहेगा और आप धृतराष्ट्र की तरह देखते रहेंगे मोदी जी से सवाल किए हैं, भाई अरुण जी हैं, ये सवाल करके पोस्टर लगाए, पोस्टर से सवाल कर रहे हैं, क्या है जो पोस्टर आप लगा दिए? पोस्टर तो देख ही रहे हैं कि देश में बेटियां असुरक्षित है, तो देश की बेटियां जब असुरक्षित है और प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र की भूमिका में है तो वही दिखाने का काम किया गया है कि आप आँख नाक मुंह सब बंद किए हुए हैं, आपके लोग ये गलत काम कर रहे हैं और आप कार्रवाई के नाम पर शून्य हैं। जब सुप्रीम कोर्ट हथौड़ा मारता है तब आप कार्रवाई करते हैं। मोदी जी तो बोल रहे हैं ना कि किन्हीं को बख्शा नहीं जाएगा जो भी अपराधी होंगे। कह तो रहे हैं कि सबसे पहले अपना एमपी पर कार्रवाई करें, अगर ताकत है मोदी जी में, दम है, तो अपने एमपी पर कार्रवाई करें, बृजभूषण सिंह पर। ये मामला दूसरा जगह का ना, बृजभूषण सिंह का मामला क्या है? महिलाओं के साथ ही ना, देश की बेटियों के साथ जो घटना घट रही है, मणिपुर तो पूरा जल रहा है, मणिपुर तो जल ही रहा है, लेकिन कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वो अपने एमपी को कार्रवाई करें ना। देश के तमाम लोगों को कह रहे थे, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, तो अपने मुख्यमंत्री से कार्रवाई करवाएं, सबसे पहली चीज है, तो मैं जानूंगा कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। वो बोलते हैं वही है जो वो करते नहीं है। और जो के मोदी जी तो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनके आंसू है कहाँ, उनको आंसू है कहाँ। इससे क्या दर्शाना चाहते हैं आप? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में फेल है। देश की बेटियां असुरक्षित है, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बैठे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। एक और महंगाई है, एक और बेरोजगारी है, एक और देशियां बेटियां असुरक्षित है, तो आप किसके बदौलत आप क्यों हैं, आप गद्दी पर क्यों बैठे हुए हैं? प्रभु आप गद्दी से उतरिए। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब क्राइम मुमकिन है, सब महंगाई मुमकिन है, सभी चीज मोदी है तो ही मुमकिन है। लेकिन राम राज्य जिसे कहते हैं, जिसे मंगल राज्य कहते हैं, वो जब इंडिया की सरकार बनेगी तो ही मुमकिन होगा। महाभारत से दर्शा दिया, महाभारत पढ़े नहीं हो? महाभारत में धृतराष्ट्र अपनी बहू के साथ जो हो रहा था वो चुपचाप से बैठकर देख रहा था, संजय उसको बता रहे थे, उसको आंख नहीं था फिर भी बता रहे थे कि आपके बहू के साथ ऐसे हो रहा था। लेकिन महाभारत को अपने जोड़ दिया निश्चित तौर पर, और कहाँ किसको जोड़ेंगे? मणिपुर जल रहा है और आपका डबल इंजन की सरकार है, तो किसके जोड़ेंगे इसको? नीतीश कुमार से लेकर जोड़ दें क्या? ये तो जब भी जुटेगा प्रधानमंत्री से ही जुटेगा।
ये जो पूरे मामला है मणिपुर जो है वो जल रहा है, जिसके बाद जो है आरजे दफ्तर के बाहर तस्वीरें लगाई गई है। देखिए उस तरफ जो कृष्ण के रोल में अदा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट है, और ये महाभारत की तस्वीरें जो आपको है, बीच में मोदी जी को अध्यक्ष ट्रस्ट के तौर पे बैठा दिया गया है, और तस्वीर जो है पूरे आरजेडी दफ्तर के बाहर में ये बड़ा सा पोस्टर लगा दिया गया है। इसमें साफ साफ मणिपुर को लेकर के जिस तरह से मणिपुर में घटना हो रहा है उस मामले को इसमें दर्शाया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।